सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमती तर्जुमानों को आदाद व शुमार का मुवाजना जारी करने का चैलेंज कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब हिम्मत करके 2018 और 2021 के मौशी आदाद व शुमार का मुवाजना जारी करें और आईना देखें। नालायक झूठी और करप्ट हुकूमत ने पहले ही मईशत तबाह की और अब तबाहशुदा मईशत पे फख्रिया ट्वीट्स करते हैं। झूठे आदाद व शुमार की जादूगरी के बावजूद मुस्लिम लीग नून के मौशी अहदाफ तक आप पहुंच नहीं पाए, झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म करें। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1000 रोज मुकम्मल हो गए। अशियाए जरूरिया की कीमतों में होशुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी औसत 42.95 रुपये फी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55.59 रुपये फी किलो थी। चीनी की औसत कीमत अब 98.54 रुपये फी किलो हो चुकी है। मौजूदा दौर में आटे का 20 किलो का थैला औसत 373.50 रुपये महंगा हुआ। अगस्त 2018 त मई 2021 बकरे का गोश्त औसत 304.62 रुपये फी किलो महंगा हुआ है। आदाद व शुमार सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1000 रोज मुकम्मल होने पर और कीमतों में होशुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस दौर में चीनी औसत 42.95 रुपये फी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55.59 रुपये फी किलो थी, जबकि चीनी की औसत कीमत अब 98.54 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उसके नतीजे में मौशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक तवील इंतजार के बाद मौशी पॉलिसियों के मुस्बत नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपये से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। बिरूने मुल्क पाकिस्तानियों ने मईशत को पाँव पर खड़ा करने की कोशिशों में भरपूर हिस्सा डाला और 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। गंदम, चावल, गन्ना और मकई की तारीखी पैदावार हुई। ज़रई मईशत में 1100 अरब रुपया मुंतकिल हुआ। इससे किसानों की कुव्वत खरीद में भरपूर इजाफा हुआ। ट्रैक्टर 64% ज्यादा फरोख्त हुए। खाद और जरिए अद्वियात के इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट ने 27 मई को 2.21 अरब शेयर्स की खरीदो फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम किया। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। सवाल यह है कि क्या इस वक्त जब मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है, ऑपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? मुशीर दाखला शहजाद अकबर ने ट्वीट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और अपने आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का हर उम्मती की तरह चौकीदार हूँ और ये बात FIR में भी दर्ज है जो कि मेरा हल्फिया बयान है। उन्होंने कहा कि मजीद बयानबाजी महज सियासी इंतकाम और छोटेपन के सिवा कुछ नहीं है। और कराची में गर्मी के शिद्दत में इजाफा होते ही बर्फ़ की मांग और कीमतों में भी इजाफा हो गया। बर्फ़ फरोश मनमाने नर्ख वसूल करने लगे। शहरी महंगी बर्फ़ खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी जोबन पर हो और बर्फ माफिया इसका फायदा ना उठाए, ये भला क्यों कर मुमकिन है? कराची में भी बर्फ माफिया ने काम दिखाना शुरू कर दिया। जी पहले आता था हमें 320 का, अभी आ रहा है 400 का। एक महीने में 80 रुपये बढ़ा दिए गए एक ब्लॉक पे। पहले तो 300 का ले रहे थे, जब काम स्टार्ट किया था तो अभी 410 रुपये में पहुँच दे रहे थे। गर्मियों में ठंडे मशरूबात में भी बर्फ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मशरूबात फरोशों को बर्फ की पट्टी 50 के बजाय 70 से 80 रुपए में मिल रही है। पहले पट्टी खरीदते थे ना, ये 50 ही खरीदते, अब 70 रुपए की है। पहले 50 की मिलती, अब 70 की मिल रही है। शहरी भी बर्फ के बढ़ते दामों के हाथों तंग आ चुके हैं। जी बर्फ़ यहाँ से बहुत महंगी मिल रही है, इन लोगों को भी आगे से बहुत महंगी मिलती है तो ये लोग भी हमें महंगी देते हैं। पहले 50-60 रुपये की पट्टी मिलती थी, अभी ये 70-80 रुपये की मिलती है। तो आपको पता बिजली का भी हिसाब किताब है, वो महंगाई हो जाती है, लाइट चली जाती है, फिर वो लोग रेट बढ़ा देते हैं। मौसम गर्मा से कबल बर्फ का एक ब्लॉक 250 से 300 में मिलता था, जो अब 410 रुपये का हो चुका है। शदीद गर्मी है और ठंडा पानी भी इंतहाई जरूरी हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर बर्फ खरीद कर पीने वाले अफराद महंगी खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज़, 24 न्यूज़ कराची।
गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर तलबा के एहतजाज का मामला। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि तोड़फोड़ और ग्रीन एरिया को ख़राब करने में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं, बिलाल बर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा क्या कहते हैं हमजा शफकात इस बारे में। जी बिल्कुल, ये ट्वीट किया गया है हमजा शफकात की जानिब से। उसमें बताया गया है कि जो गुज़श्ता रोज़ फैज़ाबाद के मुकाम पर जो है एहतजाज जारी था तलबा का, उसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है और जो जो उसमें मुलव्वस थे अफराद उनके खिलाफ जो है वो उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उन तमाम मुलजमान को, और उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब तक जो है पुलिस के मुताबिक 24 अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा मोटरसाइकिल्स और जो जो जिन जिन चीजों पे वो आए हुए थे वहाँ पे उनको भी जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो ने चारसदा में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मुझ समेत मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में रहकर जदोजहद कर रहा है। NRO लेने की जरूरत इमरान खान और उसकी सेलेक्टेड हुकूमत को है। ताकि पसंद सियासत करना चाहता है, हम समझते हैं कि यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नया नासिर के लिए कि हम एक मॉडर्न रियासत बने, एक एडवांस रियासत बने जो अपने गरीब अवाम का ख्याल रखे, अपना मासूम आम आदमी का ख्याल रखे। और इस जदोजहद में समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ANP जैसे जमात सबसे बेहतरीन जमात है, जिसके साथ हमारा सोच भी मिलता है, हमारा तारीख भी मिलता है, हमारा माजी भी मिलता है और इंशाल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल भी ऐसे मिलेगा। जहाँ तक NRO की बात है, वहाँ तो आप सामने सब नज़र आ रहा है, मैं खुद, मेरा पूरा ख़ानदान, हम सब इधर पाकिस्तान में मौजूद है, लड़ने को तैयार है, हर सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। तो शायद जो NRO लेने की ज़रूरत होगा वो तो ये इमरान खान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नजफ़ अशरफ में मारूफ मजहबी स्कॉलर और इल्मी शख्सियत आयतुल्ला बशीर हुसैन नजफ़ी के दफ्तर में उनसे मुलाकात की। आयतुल्ला बशीर हुसैन नजफ़ी ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। मुलाकात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और इराक़ के माबैन दो तरफ़ा बरदराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और फ़िरका वारियत की हौसला शिकनी के लिए उलमाए किराम की जानिब से भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। में एक दिन में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ 3,83,000 शहरियों को रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई। रजिस्टर होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और 1,16,63,000 अफराद अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। लाहौर के एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीन से आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से गुलुकार अली जफर, अदाकार फैसल कुरैशी, बहरोज सब्सवारी, अदाकारा रेशम ने भी खताब किया। अली जफर ने मुहिम में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन को लाजमी करार दिया। कोरोना के हवाले से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। बैक टू नॉर्मलसी की तरफ आने के लिए जितनी जल्दी आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतनी जल्दी ये चीजें होगी। वैक्सीन लगवाए, जान बचाए और दूसरों को भी तलकीन करें। ये जो अवेयरनेस का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको हम, मुझे लगता है बहुत स्पीड में हमें इसको करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट अजीब सा है कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो वैक्सीनेशन है इससे लोगों को प्रॉब्लम होगी। एक महीना हो गया मुझे सेकंड डोज लिए हुए, बल्कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो उसने वैक्सीनेशन करा ली है। बेहतरीन कुछ भी नहीं है, जैसे बाकी चीज़ों की वैक्सीनेशन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को ये समझाया जाए, बताया जाए कि निकलें, वैक्सीनेशन करवाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है। कि माजी में जब भी वबा आई है तो उसके साथ अफवाह भी आई है। जब भी कोई वबा आई है तो अफवाह आई है कि भाई ये इसकी वैक्सीनेशन नहीं लगवानी आपने, कुछ ना कुछ हो जाएगा, और बाद में वो गलत साबित भी हुई है। लाख लोगों को रोजाना की वैक्सीनेट करा रही है, तो इससे पूरा पूरा हमें फायदा उठाना चाहिए। सयाहती मकाम नेशनल पार्क मारगला हिल्स के 3 मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग सैदपुर, तलहाड़ विलेज और पीर सुहावा के मकाम पर लगी थी। CD और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की बर्वक कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, तलहाड़ विलेज में 90% आग पर काबू पाया गया। पीर सोहावा के मुकाम पर बताया गया कि 25 एकड़ रकबा पर आग लगी थी और सैदपुर में 12 एकड़ का रकबा जो है वो मुतासिर हुआ, जबकि तलहाड़ विलेज में भी 15 एकड़ का रकबा मुतासिर हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है, बर वक्त जो है वो कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया और इस हवाले से जो है मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के जो वाकियात हैं, जो हादसात हैं, वो पेश ना आए। जी ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आई कैप की इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के सरबरा अशफाक तोला कहते हैं कि आइंदा बजट में विफाकी हुकूमत को सिफारिश की है कि तामीराती शोबे की तरह सनअती शोबे को भी एमएनएसटी दी जाए। बजट सेमिनार से खिताब करते हुए सरबरा आई कैप इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी अशफाक तोला ने कहा कि आई कैप ने वफाकी हुकूमत को आइंदा माली साल का बजट खसारा 3,565 अरब रुपए रखने की तजवीज दी है। गवर्नमेंट ने कहा हम 350 अरब के टैक्स लगाएंगे या कंसेशन विड्रॉ करेंगे। IMF की रिव्यू रिपोर्ट में मेरा ख्याल है, जहाँ तक आई एम नॉट फॉरगेटिंग, पेज 61 पे उन्होंने हमें दिया है कि जी 326 अरब के टैक्सेस हम कंसेशन विड्रॉ कर लेंगे सेल्स टैक्स। अशफाक तोला ने मजीद कहा कि दफाई बजट में 15% इजाफा नागजीर है, तामीराती सेक्टर की तरह सनती शोबे को भी एमएनएसटी देने की जरूरत है। आई कैप ने आइंदा बजट में तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज भी दी है।